प्रदेश में लगातार डायरिया मलेरिया से मौतें हो रही हैं। हर तरफ अलग अलग वर्ग हड़ताल पर बैठे हैं और उधर सरकार दिल्ली गई है, 5 सितारा होटलों में बैठकर बताएगी कि छत्तीसगढ़ में सुशासन है। कुछ तो शर्म करो, मौतों की चीखों को अपने झूठे नारों से दबाते हुए शर्म नहीं आती। तो जैसा कि आपने सुना, कितनी यहाँ पर तीखी टिप्पणी की गई है पूर्व सीएम भूपेश बघेल की ओर से वर्तमान सीएम साय के लिए, और आखिर क्यों ये बातें यहाँ पर उठकर सामने आई। हालांकि अभी हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में लगातार सोशल मीडिया पर वार का जो दौर है लगातार जारी है, लेकिन अब सीएम साय के दिल्ली जाने का जिक्र यहाँ पर पूर्व सीएम ने क्यों किया, इस बात पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय जोहार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अक्षय दुबे साथी। अक्षय, आज एक बड़ा कार्यक्रम हुआ दिल्ली में और सीएम विष्णुदेव साय यहाँ पर आए थे, आप कवर करने भी गए, नजदीक से देखा कार्यक्रम को, क्या कुछ इस कार्यक्रम में था और जिस तरह से भूपेश बघेल यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, क्या डायरिया मलेरिया को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई, किन किन विषयों पर यहाँ पर चर्चा की गई, इस पर आप प्रकाश डालेंगे। देखिए, सीएम साय का एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में था जहां वो दिल्ली वासियों को दिखाना चाह रहे थे कि छत्तीसगढ़ क्या है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ जो गवर्नेंस है वो किस तरीके से काम कर रहा है, और साथ ही साथ यहाँ छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन सी चीज है, इन तमाम पक्षों पर यहाँ बातें हुई, चाहे वो ओपी चौधरी के जरिए हो, चाहे फिर विजय शर्मा के जरिए हो, या फिर खुद सीएम साय भी इन तमाम पहलुओं पर आज प्रकाश डाले। क्या कुछ उन्होंने कहा, कुछ तो जो हमारे दर्शक हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ तक पर जो सीएम साय के बाइट्स आएंगे, बयान जो आपको हम दिखाएंगे वहां आप सुन सकते हैं, लेकिन मैं एक मोटे तौर पर एक संक्षेप में बता देता हूं कि सीएम साय विजय शर्मा का कहना ये था कि छत्तीसगढ़ में ठीक है कि नक्सल एक समस्या है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सिर्फ नक्सलवाद बस नहीं है, बल्कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ का रहन सहन, और यहाँ जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया, गौर कीजिए, बीजेपी ने काम किया, उन्होंने 15 साल का पहले बखान किया जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद जो 5 साल है उस 5 साल को उन्होंने एक किस्म से नाकामी की निशानी उन्होंने करार दिया, कहा कि 15 साल तक तो छत्तीसगढ़ बहुत ही खुशहाल प्रदेश, बहुत ही पीडीएस सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा था, आदिवासियों के बीच में बहुत अच्छा काम चला, लेकिन जब 5 साल भूपेश बघेल की सरकार आई तो फिर छत्तीसगढ़ निराशा में तब्दील हो गया। बिल्कुल, वहां के लोग निराश हो गए, हताश हो गए, सरकार जो थी बघेल की वो घोटालेबाज थी, वहाँ शराब घोटाला हुआ, वहाँ गोबर घोटाला हुआ, वहाँ कोयला घोटाला हुआ, और उसके बाद दबी जुबान पर ही सही या फिर जो कुछ सवाल आए उसके जरिए महादेव का भी जिक्र हुआ, तो कुल मिलाकर 5 साल को उन्होंने माइनस किया और 15 साल का बखान किया, और साथ ही साथ जो 6 महीने का जो भी कार्यकाल है साय का उस पर उन्होंने फोकस किया कि यहाँ सब कुछ साय साय होता है। उन्होंने खुद कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी टकाटक कहते हैं, कटाकट कहते हैं, उसको छत्तीसगढ़ी में साय साय कहते हैं, तो यहाँ सब कुछ साय साय होता है, लोगों को पैसा मिलता है, तेंदुपत्ता की बम्पर खरीदी होती है, और चावल की धान की खरीदी होती है, और यहाँ के लोग बहुत खुश हैं, जो विकास का जो इंडेक्स है वो काफ़ी हाई हो रहा है, हर चीज़ों पर हमारा जो राज्य है वो आगे बढ़ रहा है। रहा सवाल नक्सलिज्म का, नक्सलवाद का, तो 3 साल में प्रण है कि ये खत्म हो जाएगा, जो अमित शाह अक्सर कहा करते थे उस इसी बात को उन्होंने दोहराया और उस पर भरोसा जताया। यही बात विजय शर्मा भी कहते नजर आए कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, और जो सरकार है उनकी पुनर्वास नीति हो या फिर जिस तरीके से उनसे लोहा लिया जा रहा है वो, इसके जरिए नक्सलवाद का भी खात्मा होगा, और जिस तरीके से आदिवासी इलाकों में बीजेपी सरकार की ओर से काम कराए जा रहे हैं उससे वहां के आदिवासी बहुत ज्यादा विश्वास करने लगे हैं साय सरकार पर, ऐसा दावा था विजय शर्मा का। कह रहे थे कि अब आदिवासी खुद विकास चाहते हैं, वो स्कूल चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कई ऐसे संदर्भों का जिक्र किया कि एक युवा 25 साल का बूझ मार का, उन्होंने जब मैंने पूछा कि तुमने क्या टीवी देखा है, तो उन्होंने बताया कि मैं कभी टीवी में देख नहीं पाया हूं, लेकिन अब ऐसे इलाकों में भी सरकार की पहुंच हो रही है, जहां लोग नहीं जा पाते वहां सरकार जा रही है, तो उनका कहना था कि जो लोग दिल्ली में बैठे हैं
उनको छत्तीसगढ़ आकर छत्तीसगढ़ को देखना चाहिए। और ये सरकार, बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, मतलब मोदी सरकार और साया सरकार दोनों मिलकर छत्तीसगढ़ को बहुत ज़्यादा विकसित बनाएंगे। तो ये पूरे कार्यक्रम का लुआब था। लेकिन उसमें उसके बाद जो आपने बघेल की टिप्पणी का जिक्र किया, उस पर आते हैं। अब बघेल भी हमला बोल ही दिए हैं और बघेल पर साय ने भी हमला बोला कि वो तो घोटालेबाज थे। लेकिन इनका कहना है कि राज्य में जो कानून व्यवस्था है वो सही नहीं है। अभी जो आरोप लग रहे हैं साय सरकार पे, वो सबसे बड़ा आरोप यही है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। लेकिन साय ने आज बताया यहाँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब यहाँ लूट, हत्या, ऐसे मामले ज्यादा होते थे। लेकिन बघेल का कहना है कि जो राज्य है वो मलेरिया से बीमार है, डायरिया यहाँ है, मलेरिया है, इस पर सरकार काम नहीं कर पा रही है। तो ये किस्म से एक तो राजनीति है, दोनों नेताओं को अपने अपने ओर से बयानबाजी करनी होती है। आपने पिछले दिनों देखा होगा हसदेव का जो मामला है, हसदेव के मामले में हम देखते हैं कि जब भी कोई पार्टी विपक्ष में बैठती है उसके बाद वो बहुत ही शुभचिंतक बन जाती है, वो फिर जंगल को बचाने का काम का नाम लेने लगते हैं। आप देखिए बघेल का जो पूरा कार्यकाल रहा उस दौरान, अगर हम उस आखिरी कार्यकाल, आखिरी समय को छोड़ दें जब उन्होंने विधानसभा प्रस्ताव पारित कराया, हालांकि उसमें सिंहदेव के दखल के बाद ये कदम उठाया गया था कि हम इसको संरक्षित करेंगे, अब यहाँ वनों की कटाई नहीं होगी। लेकिन उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या गहलोत और बघेल के बीच में पत्राचार नहीं हुआ करते थे क्या? कोयला को लेकर, हसदेव को लेकर कहे सरकार बचाव करती थी कि हम तो यहाँ जंगल नहीं काट रहे हैं, वो तो लिमिटेड चीजों को हो रहा है, वो यहाँ कोयला जरूरी है, विकास के लिए जरूरी है, ये सब गिनाए जाते थे। और उसमें बीजेपी विरोध में थी, बीजेपी विरोध में थी। उन्होंने घोषणा पत्र में भी, अपने संकल्प पत्र में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हसदेव मामले को लेकर कांग्रेस आप लोगों के साथ धोखा कर रही है। उसके बाद साय सरकार आती है और साय जो खुद एक आदिवासी है वो मुख्यमंत्री बनते हैं, तो लोगों का एक यकीन जगता है कि हो सकता है कि हसदेव का जो विनाश है किस्म से वो रुक जाएगा। लेकिन आपको पता होगा, हमने रिपोर्ट भी की थी कि उस दौरान भी जंगलों की कटाई होती है। और अब देखिए भूपेश बघेल कहते हैं कि छत्तीसगढ़ को रेगिस्तान बनाने की साजिश चल रही है। तो ये सिर्फ एक विशुद्ध राजनीति है जो अब छत्तीसगढ़ की जनता भी समझ रही है। और अगर जनता समझ रही है तो दोनों जो दो अलग अलग कालखंड के हुक्मरान थे उनसे यह सवाल पूछना चाहिए। दोनों ही जो जिम्मेदार अपने आप को मानते हैं एक पार्टी के तौर पे, एक विपक्ष या एक सरकार के तौर पे, तो अब उनको जवाब देना चाहिए, मिलकर जवाब देना चाहिए कि आखिर ये जंगल, ये हसदेव का जो जंगल है वो कैसे इसका संरक्षण होगा, कानून व्यवस्था सुदृढ़ कैसे छत्तीसगढ़ में ये करेंगे। ये दोनों की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, सवाल उठाना बेहद जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ सवाल का जवाब भी देना होगा। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि तेंदुपत्ता को लेकर भी यहाँ पर साय सरकार ने अपनी आवाज़ बुलंद की और बताया कि हम वहाँ पर तेंदुपत्ता संग्राहकों को किस तरह से पैसा दे रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर बीते दिनों सुकमा से भी निकल कर आई जब खुद तेंदुपत्ता संग्राहकों ने यहाँ पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, क्योंकि सरकार ने उनसे वादा किया था कि नगद राशि का भुगतान होगा, लेकिन ना ही नगद राशि दे रही है ना ही बैंक के माध्यम से उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं। उसको लेकर वो आंदोलन रद्द भी हुए, क्योंकि अब खेती किसानी का समय शुरू होने वाला है, पैसों की जरूरत है। तो एक तरफ जहां सरकार यहां दिल्ली में आकर वाहवाही बटोर रही है, तो दूसरी ओर की जो सूरत है वो कुछ और ही बयां कर रही है। एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे और होगा अक्षय, कि दिल्ली में अभी तो खैर 6 महीने ही बीते हैं इनके सरकार को, क्या दिल्ली में आकर यहां पर इस तरह से बखान करना केवल छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए था या इसके पीछे की और कोई वजह आपको नजर आ रही है? देखिए, एक सामान्य तौर पे सरकार अपनी योजनाओं को लेकर, अपने काम को लेकर हमेशा वो गिनाती रहती है, अपनी कमियां अधिकतर लोग नहीं बताते और एक प्रचार तंत्र तो होता ही है। राजवाल काम का तो ठीक है, कुछ काम हुए हैं और उसको जनता बखूबी समझ लेगी कि उन्हें वो कौन से काम से लाभान्वित हो रहे हैं, वो कौन से काम के लाभार्थी हैं। जैसे आपने कहा ना कि तेंदुपत्ता को लेकर कुछ हमारे पास किसानों के जो शिकायतें आई, जिसको हमने रिपोर्ट भी किया, उसमें आप देख सकते हैं कि उनका आरोप है कि उनको पैसे नहीं मिले हैं। तो एक तरफ होता है सरकार का दावा, एक तरफ होती है जमीनी सच्चाई, और सच इन्हीं दोनों चीजों के बीच में है, सच इनके अंतराल के बीच में ही कहीं छिपा हुआ है। और आगे अब चुनाव है तो मेरे ख्याल से जोखिम कोई नहीं उठाना चाहेंगे। विपक्ष चाहेगा
कि हम उन तमाम गलतियों पर, खामियों पर हम सरकार के सामने उसको पेश करें और जनता को भी बताएं कि जो मौजूदा सरकार है वो ढंग से काम नहीं कर रही है। लेकिन सरकार भी ये बताने में जुटी रहेगी कि हम तो आपके लिए ही हैं और हम सब कुछ कर रहे हैं। जो अक्सर कहते हैं ना कि मोदी की जितनी गारंटी है वो हम बखूबी निभाएंगे, पूरी करेंगे, क्योंकि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। बिल्कुल। तो जिस तरह से विष्णु देव साय यहाँ पर पहुंचे, विष्णु के सुशासन का उन्होंने बखान किया और अक्षय आज वहाँ पर गए थे, उन्होंने बहुत नज़दीक से इस पूरे बैठक का ना सिर्फ जायजा लिया बल्कि सवाल जवाब भी हुए और उसका ये सार निकलकर सामने आया। बहरहाल विष्णु देव साय ने तो अपनी वाहवाही यहाँ पर बता दी है, अपनी उपलब्धियाँ गिना दी है, लेकिन आप छत्तीसगढ़ से हैं, आप कितना कुछ समझ पाए इस 6 महीने की सरकार को? क्या वाकई विष्णु के सुशासन में काम साए साए हो रहे हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।